मित्रों नमस्त संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण और आज हम अपने गुरु जी का परिचय करा दें आप सबके लिए। आज कुछ गुरु जी के व्याख्यान से मिलेगा। जो भी लोग TGT PGT या IAS PCS में संस्कृत लेकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आज आपके सामने उपस्थित हैं प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संस्कृत विद्वान रहे हैं। आप सब जानते होंगे, आप सब ने इनको आकाशवाणी में सुना होगा। गुरुदेव को दूरदर्शन के कविता वार्ता या साक्षात्कार प्रसारण में आपने नाम सुना होगा और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज के कार्यकारिणी सदस्य के मेंबर हैं आप, जिसमें पूरे विश्व के कई सारे संस्कृत के विद्वान और लोग सम्मिलित होते हैं और भारतवर्ष के 3 सदस्य हैं उनमें एक आप भी हैं। और जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, संस्कृत विभाग से जुड़े रहे हैं, तो आप सब परिचित होंगे इस नाम से। संस्कृत विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं और MA में आप स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले हैं। लगभग 14-15 पुस्तकों के का लेखन आपने किया है, खासकर काव्य की पुस्तकें, और 75 से ऊपर शोध पत्र प्रस्तुत हुए हैं गुरुदेव के, और शोधक छात्रों का निर्देशन हुआ है। लगभग 29 शोधक छात्र PhD कर चुके हैं गुरु जी के निर्देशन में। साहित्य अकादमी एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो 2007 में आपको मिल चुका है। और सब लोग जो संस्कृत से जुड़े हैं उन सबको पता होगा कि राष्ट्रपति सम्मान जो राष्ट्रपति पुरस्कार होता है वो भी गुरुदेव को 2015 में प्राप्त हुआ है। ऐसे ऐसे महान विभूति का हम सब दर्शन कर पा रहे हैं और उन सब लोगों से हम लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महर्षि व्यास पुरस्कार 2017 में और दिल्ली संस्कृत अकादमी एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के 5 पुरस्कार गुरुदेव को अब तक प्राप्त हुए हैं। 17 देशों की शैक्षणिक यात्रा कर चुके हैं। आप ज़्यादातर देखे होंगे जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शोधक छात्र हैं, यदि वो हमको सुन पा रहे हैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से, तो आप सब इस चेहरे से परिचित होंगे। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और ये निवेदन करते हैं कि कुछ ऐसी आज आपके व्याख्यान से हम सुनना चाहते हैं, वो चाहे मुद्रा राक्षस हो चाहे मृच्छकटिक हो, जो हमारे TGT PGT या UGC NET JRF के पाठ्यक्रम में है और हम सब लाभान्वित हो सकें। बस आज इतना ही, गुरुदेव से निवेदन है कि आप मृच्छकटिकम एक सामान्य समीक्षा। मृच्छकटिक संस्कृत नाट्य साहित्य का एक अभूतपूर्व अद्भुत एवं प्रवर्तमान परंपरा को तोड़कर नवीन योजना प्रस्तुत करने वाला रूपक है। इसका रचयिता शूद्रक संस्कृत साहित्य का एक रहस्यात्मक एवं विवादास्पद व्यक्तित्व रहा है। काल की दृष्टि से यह निश्चित रूप से ईसवी पूर्व की रचना है। यह रूपक के 10 भेदों में से प्रकरण नामक भेद है, जिसका नायक एक दरिद्र ब्राह्मण तथा नायिका एक गणिका है। नायक धीर प्रशांत की श्रेणी में आता है। प्रधान रस श्रृंगार है। मृच्छकटिक 10 अंकों में निबद्ध रचना है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अलंकारन्यास, द्यूतकर संवाहक, संदिच्छेद, मदनिका शर्विलक, दुर्दिन, प्रवहण विपर्य, आर्य का अपहरण, वसंत सेना मोटन, व्यवहार एवं संहार। इस प्रकरण की कथावस्तु के 2 अंश हैं। पहला भाग चारदत्त तथा वसंत सेना का प्रेम, दूसरा भाग आर्य की राज प्राप्ति। शूद्रक ने पहले अंश को भास के दरिद्र चारदत्त नाटक से अविकल लिया है। शब्दता और अर्थता दोनों प्रकार की समता इसमें दृष्टिगोचर हो रही है। राजनीतिक भाग कवि की अपनी संपत्ति है। दोनों अंशों को शूद्रक ने बड़ी सुंदरता के साथ संबद्ध किया है। मृच्छकटिक में घटनाओं की विभिन्नता विस्मयकारी है। द्यूतक क्रीड़ा, चौर्य कर्म, झंझावात, प्रवहण विपर्य, राजद्रोह, करणाट कलह इत्यादि सभी का अपना विशेष स्थान है। इसकी कुछ विलक्षण विशेषताएं इस प्रकार हैं। कथा वस्तु की नवीनता इस रूपक की सबसे पहली विशेषता है, जैसा कि लिखते हैं उसी में नवमिव संविधानकम। एक धनी गणिका का एक गरीब नायक के प्रति प्रणय का अंत तक निर्वाह और प्रेम वैशिष्ट्य। तीसरी आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा का मंजुल गुम्फन। चौथा अद्भुत सजीवता एवं वैयक्तिकता से परिपूर्ण विभिन्न पात्रों का चरित्र चित्रण। 5 घटना चक्र की गत्यात्मकता अर्थात घटनाओं की सघनता तथा उनका त्वरापूर्ण घात प्रतिघात।
6 सामान्य घटनाओं का असामान्य महत्व, जैसे पेड़ का गिरना, सिपाहियों की तुच्छ कला तथा वस्त्रोपहार आदि। 7 समाधानोन्मुख घटनाओं का आकस्मिक और सर्वथा अतर्कित परिवर्तन। मृच्छकटिक चिर परंपरागत दैवी एवं अर्धदैवी नायकों या राजा महाराजाओं की नीरस कहानी नहीं है, अभी तो सामान्य समाज का चित्र है। क्षण क्षण में हर्ष, जिज्ञासा, आश्चर्य, दया तथा भय के बदलते भावों को जगाने वाली कथानकों की परंपरा के कारण इसमें रुचि बढ़ती ही चली जाती है। मृच्छकटिक जैसा जीवित घटनाओं का प्रबल और तीव्र घात प्रतिघात किसी संस्कृत नाटक में नहीं मिलता। क्रियाओं और घटनाओं की इस विविधता की कमी के कारण ही अधिकांश संस्कृत नाटक नाटक नहीं अभी तो नाटकीय कविता जैसे लगते हैं, पर मृच्छकटिक में एक के बाद एक घटनाओं का तांता बदता चला जाता है। प्रत्येक अंक एक नया दृश्य, एक अद्भुत घटना लेकर आता है। पाठकीय जिज्ञासा और रुचि का कहीं अंत नहीं होता। प्रारंभिक अंकों की विविध घटनाएं तथा हास्य प्रसंग तथा अंतिम अंकों की करुणा नाटक में एक जीवन भर देती है। अमेरिकन लेखक डॉक्टर राइडर कहते हैं, फ्रॉम फार्स टू ट्रेजेडी, फ्रॉम सेटायर टू पाथोस रन्स द स्टोरी विद ब्रेथ ट्रूली शेक्सपीरियन। जहां तक पात्र और चरित्र चित्रण का प्रश्न है, शूद्रक ने इस क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। चारुदत्त एक अभिजात चरित्र व ब्राह्मण युवा है, किंतु व्यवहार से ब्राह्मण न होकर श्रेष्ठी है। चारुदत्त प्रेम तो करता है, पर संस्कृत नाटकों के नायकों की तरह विलासी नहीं है। प्रकरण में वह प्रायः प्रणय लीला में उदासीन सा दिखाई देता है। चारुदत्त में हम एक अत्यंत उदार और आदर्श आर्य सज्जन का मनोरम चित्र पाते हैं। वसंत सेना का चरित्र दृढ़ सत्य, विशुद्ध प्रेम, अपूर्व त्याग और गुण स्प्रेहा की आंच में तपकर गणिका वृत्ति के कालुष्य को छोड़कर शुद्ध भास्वर स्वर्ण के समान उपस्थित होता है। इन दो के अतिरिक्त शूद्रक के अन्य पात्र भी समाज के सामान्य मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग से आने वाले पात्र हैं। डॉक्टर राइडर ने पात्रों पर बड़ी एक अच्छी टिप्पणी की है। ये कहते हैं, शूद्रक एलोन इन द लॉन्ग लाइन ऑफ इंडियन ड्रामेटिस्ट्स हैज ए कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर। तुलना करते हैं, शकुंतला इज ए हिंदू मेड, माधव इज ए हिंदू हीरो, बट शकार, मैत्रेय एंड मदनिका आर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यह सत्य है, शकार, मैत्रेय, माथुर, वीरक, आर्यक, कुंभीलक, चंदनक, चांडाल, कायस्थ, श्रेष्ठी, दर्दवरक, संवाहक, शर्विलक, मदनिका जैसे पात्र समाज में जहाँ तहाँ घूमते मिल जाते हैं। पात्रों के इस विशेष संयोजन के कारण ही दशरूपक मृच्छकटिक को संकीर्ण प्रकरण मानता है। संकीर्णम धूर्त संकुलम। मृच्छकटिक प्रकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लोक जीवन से निकला हुआ लोक तत्व से संवलित रूपक है। सामान्य जनजीवन एवं मध्यवर्गीय जीवन का संपूर्ण चित्र इसमें प्रतिबिंबित है। इसमें गणिकाओं के जीवन की झांकी मिलती है, तो विट और चेड़ जैसे विलासी और इत्वर माने आवारा लोगों के क्रियाकलापों के भी दर्शन होते हैं। एक ओर जहां द्यूत क्रीड़ा और जूं के अड्डों पर जुआरियों के लड़ाई झगड़े के दृश्य मिलते हैं, तो दूसरी ओर न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीशों, न्यायालय रूपी समुद्र के सर्प, कायस्थों और वादी प्रतिवादियों की कार्यवाहियां भी दिखाई पड़ती हैं। एक ओर जहां मुंडित सिर वाले बौद्ध भिक्षुओं की दंड कुंडिका आदि की चर्चा होती है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दांवपेच, षड्यंत्र, राजद्रोह, सत्ता परिवर्तन जैसे राजनीतिक विप्लव भी देखने को मिलते हैं। एक ओर जहाँ चौर्य कर्म एवं एक कला के रूप में दिखाई पड़ता है, वहाँ संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं संवाहन कलाएं भी दृष्टिगत होती हैं। समाज की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अवस्थाओं का सुस्पष्ट प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ता है। मृच्छकटिक में हर्ष एवं विषाद, हास एवं करुण दोनों अवस्थाओं का पर्याप्त चित्रण है। चारुदत्त की दरिद्रता एवं दयनीयता पूरी भावात्मकता के साथ चित्रित की गई है। चारुदत्त निर्धनता को छठा महापाप बताते हुए कहता है,
संगम नैव कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात् इत्यादि अंतिम है। मन्ये निर्धनता प्रकाम अपरम षष्ठम महापातकम, मैं छठा महापाप समझता हूँ निर्धनता को। करुण के अतिरिक्त मिर्च कटिक का हास्य बड़ा तीखा है एवं परंपरागत रूढ़ पद्धति से भिन्न है। मिर्च कटिक का हास्य परंपरागत संस्कृत नाटकों की तरह केवल शब्द श्लेषों पर ही आधारित नहीं होता अपितु कथानक व घटना पर भी। वह केवल विदूषक की हल्की फुल्की फुलझड़ियों, पेटूपन व मोदक खाद्य का मैंने लड्डू खाना तथा नायक राजा के मनोविनोदार्थ अहर्निश घड़ी जाने वाली मनगणंत बातों आदि घिसे पेटे हास्य प्रसंगों पर आधारित नहीं है। मृच कटिक के हास्य का क्षेत्र नितांत नवीन विस्तृत एवं वैविध्यपूर्ण है। उसमें एक अद्भुत सप्राणता है जिससे वह पाश्चात्य ढंग की कॉमेडी का वातावरण उपस्थित करता है। एक अमेरिकन प्रोफेसर लिखते हैं, शूद्रकाज ह्यूमर रन्स द होल गैमट फ्रॉम ग्रिम टू फार्सिकल फ्रॉम सेटायरिकल टू क्वेंट इट्स वेराइटी एंड कीननेस आर सच दैट किंग शूद्रक नीड नॉट फियर ए कंपेरिजन विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑक्सीडेंटल राइटर्स ऑफ कॉमेडीज। मृच कटिक में हास्य के विविध रूप देखने को मिलते हैं जैसे विनोद हास्य, छल हास्य, नर्म हास्य आदि। फिर भी यह हास्य केवल शब्द छल नहीं है अपितु यह कथा में घटनाओं एवं परिस्थितियों पर भी पूर्ण निर्भर करता है। जैसे संवाहक दर्दोरक और माथुर की लड़ाई में, वीरक और चंदनक के वाग युद्ध एवं हस्ता हस्ती युद्ध में, माथुर के इस कथन पर कि पितरम विक्रिय प्रेच अपने पिता को बेच के दो, संवाहक कहता है कुतो में पिता और पाठक हंस पड़ता है। मृच कटिक का हास्य व्यंग्यात्मक भी है। वैसे तो संपूर्ण प्रकरण ही समाज पर एक व्यंग्य है, व्यंग्यात्मक होने के साथ साथ यह प्रकरण व्यंजक भी है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन सोने की गाड़ी चाहता है पर मिल पाती है उसे मिट्टी की गाड़ी। यही असंतोष एवं अतृप्त इस रूपक से व्यंजित होता है और इस लघु प्रसंग पर ही कवि ने प्रकरण का नाम रखा है मृच कटिकम, मिट्टी की गाड़ी। पुनः मृच कटिक में भाषागत विचित्रता बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसमें 7 प्रकार की प्राकृतें पाई जाती हैं, शौर्यसेनी वर्ग, शौर्यसेनी वर्ग की शौर्यसेनी, प्राच्या, अवंतिका या अवंतिजा, मागधी वर्ग की मागधी, शाकारी, चांडाली, शकारी, शकार के ऊटपटांग अनर्गल भाषण के लिए शूद्रक द्वारा कल्पित भाषा है, चांडाली की भी यही दशा है। प्रकरण में शौर्यसेनी वर्ग के वक्ता 16 हैं पात्र हैं एवं मागधी वर्ग के वक्ता 10 पात्र हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चूंकि मृच कटिक की रचना कालिदास तथा हर्षवर्धन के मध्यवर्ती काल की विभाषाओं का संकेत करती है, अतः मृच कटिक को 5वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध या 6ठी शताब्दी के पूर्वाध की रचना कहा जा सकता है। इस प्रकार मृच कटिक परंपरागत संस्कृत नाट्य परंपरा से भिन्न एक क्रांतिकारी नाटक है। यह समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें लोक जीवन की झांकी है तथा लोक तत्वों का दर्शन है। विभिन्न प्राकृत भाषाओं के रूप में स्थानीय लोक भाषाओं का प्रयोग इस रूपक को जन सामान्य से और भी जोड़ देता है। मृच कटिक के नाटकीय वैशिष्ट पर फ्रेंच विद्वान प्रोफेसर सिल्वा लेवी ने निम्न कथन व्यक्त किया है, देयर कैन बी नो डाउट दैट मृच कटिक इज वन ऑफ द फ्यू संस्कृत ड्रामास इन विच द ड्रामेटिस्ट डिपार्ट्स फ्रॉम द बीट इन ट्रैक and attempts to envisage directly a wiser, fuller and deeper life. सचमुच शूद्रक संपूर्ण विश्व के कवि हैं और उनके पात्र और भाव भारत तक ही सीमित नहीं अपितु वे विश्व जनीन हैं, कॉस्मोपॉलिटन। एक सामाजिक रूपक के रूप में मृच कटिक एज ए सोशल ड्रामा, साहित्यकार अपने समय की व्यवस्था से प्रभावित होता है और उसका साहित्य समाज का दर्पण बन उसे प्रतिबिंबित करता है। समग्र संस्कृत साहित्य में मृच कटिक एक ऐसा प्रकरण है जिसमें तत्कालीन समाज का व्यापक पूर्ण एवं गहन चित्रण उपलब्ध होता है। यह यथार्थवादी रूपक है। यह दैवीय अर्धदैवीय नायकों या राजाओं महाराजाओं की कहानी मात्र नहीं है,
अपितु ऐसे पात्रों की कहानी है जो विश्व के किसी भी कोने पर मिल सकते हैं, जो समाज के किसी भी चौराहे पर खड़े दिखाई पड़ते हैं। वे स्वाभाविक जीवन जीते हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग से संबद्ध हैं। उनमें द्यूतकर, इत्वर, मद्यप, चोर, प्रवंचना पर राजपुरुष, गणिकाएं, विट, चेट आदि लोग जगह जगह घूमते दिखाई पड़ते हैं। मृच्छकटिक का घटनाचक्र उज्जैनी में घटित होता है, जो उस समय एक समृद्ध नगरी थी जिसकी तुलना आधुनिक पेरिस से की जा सकती है। भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग वहाँ जीविका की खोज में आते थे। संवाग स्वयं पाटलिपुत्र से आया था। स्थल व्यापार तथा समुद्र व्यापार दोनों समृद्ध थे। वारांगनाओं के दो वर्ग थे, गणिका और वेश्या। गणिका समाज में सम्मानपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित थी और कभी कभी वे कुलवधू रूप में भी स्वीकार कर ली जाती थी। मृच्छकटिक में एक नहीं दो दो ब्राह्मणों का गणिकाओं से विवाह कराया गया है, चारुदत्त वसंत सेना तथा शर्विलक मदनिका। गणिका वसंत सेना की समृद्धि भी अपार बताई है। तत्कालीन समाज में जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था सुप्रतिष्ठित थी। ब्राह्मणों का समाज में विशेष आदर था। वसंत सेना कहती है, पूजनीय हो मेरे ब्राह्मण जाना, गो काम्या एवं ब्राह्मण काम्या अनतिक्रमणीय थी। एक जाति एवं व्यवसाय के लोग एक जगह निवास करते थे। जैसे कहा गया है, सखलु श्रेष्ठ चत्वरे प्रतिवसति, चारुदत्त श्रेष्ठियों के चत्वर में रहता है। विवाह पद्धति प्रचलित थी, असवर्ण विवाह भी होते थे, सती प्रथा विद्यमान थी, स्त्रियों के रखेलियों के रूप में भी रखा जाता था। चेट शकार को बार बार कांडेली माता कहकर संबोधित करता है, अर्थात उसकी माता के विषय में। इस तरह जुए को राजकीय आश्रय प्राप्त था। जुआ एक आजीविका के रूप में भी था। जैसे एक उदाहरण है, चारित्र्यावशेषे च तस्मिन् द्यूतोपजीवी अस्मि संवृत्त, बाद में जुआ खेलने में ही मैं जीविका कमाने वाला हो गया। ये संवाहक कहता है, लोगों के व्यवसाय जात भिन्न भी होते थे। ब्राह्मण चारुदत्त एक वणिक का व्यवसाय करता था। चंदनक कर जन्मना कर्मकार था, किंतु कर्मणा एक सिपाही था। वीरक जन्मना नापित था, किंतु कर्मणा सिपाही था। वर्णाश्रम धर्म का बोलबाला था। दैवी देवताओं की पद पद पर दुहाई दी जाती थी। व्रत उपवास शपथ स्वर्ग नरक यज्ञ आदि की निरंतर चर्चा होती थी। समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। एक जगह चारुदत्त कहता है, सुवृत्ता अदासो भवतु, अनेक कलाएं जैसे संगीत कला, चित्रकला, प्रतिमा निर्माण कला, चौर्य कला आदि उन्नत अवस्था में थी। मृच्छकटिक में रूढ़ियों को और शुभाशुभ फल, शकुन अपशकुन को पर्याप्त मात्रा में समाज में स्वीकार्य किया जाता था। भुजस्पंदन, नेत्र विस्फुरण, बौद्ध भिक्षु दर्शन, काकवाशित, सर्प दर्शन, सूर्य ग्रहण, फलित ज्योतिष आदि के शुभाशुभ फल समाज में पर्याप्त मान्यता थी। मृच्छकटिक में पान गोष्ठी की भी चर्चा प्राप्त होती है, जहाँ लोग मदिरा पान करते थे। तत्कालीन सामाजिक जन संगीत के शौकीन थे। तृतीय अंक में चारुदत्त रेबिल के घर से गाना सुनकर रात 12 बजे लौटता है। वह मार्ग में वीणा की प्रशंसा करता है, वीणा ही नाम असमुद्रोत्थितम रत्नम। वीणा के अतिरिक्त बांसुरी, मृदंग, दर्दुर, पणव आदि का भी इस प्रकरण में उल्लेख मिलता है। वाद्य संगीत के अतिरिक्त गायन संगीत की उन्नत अवस्था में था। संगीत कला के अतिरिक्त चित्रकला का भी पर्याप्त प्रयोग था। स्त्रियां भी अच्छे चित्र बनाती थीं। चतुर्थ अंक में वसंत सेना अपना बनाया चारुदत्त का एक चित्र मदनिका को दिखाती है। द्वितीय अंक में काष्ठमयी प्रतिमा और शैल प्रतिमा का उल्लेख है। मिट्टी की गाड़ी एवं सोने की गाड़ी के निर्माण की चर्चा इस कला का प्रकाश करती है। वसंत सेना में महल के वर्णन में भी अनेक कलाओं का नाम आता है। चौर्य कला का भी अपना एक शास्त्र था। इस शास्त्र के आचार्यों के नाम मृच्छकटिक के तृतीय अंक में मिलते हैं, जहाँ एक और अनंत समृद्धि की चर्चा है।
वहाँ इस प्रकरण में समस्त संपत्तियों से हीन हुए चारुदत्त की भी निर्धनता एवं दरिद्रता का बार बार बखान किया गया है, और इस तरह संपन्नता और दरिद्रता को विरोधी रूपों में सामने प्रस्तुत किया गया है। चारुदत्त कहता है, सुखात तो यो यात नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः सजीवति। मृच्छकटिक प्रकरण से देश की तत्कालीन धार्मिक अवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। उस समय देश में वैदिक धर्म बौद्ध धर्म दोनों का प्रचार था। संभवतः वैदिक धर्म के अनुयायी अधिक थे, राजधर्म ही वही था। बौद्ध धर्म लड़खड़ाती अवस्था में था। नागरिक पूजा पाठ समाज और पंच महायज्ञ करते थे। प्रथम अंक में चारुदत्त देव कार्य करके गृह देवताओं को बलि अर्पण करने के लिए बाहर आता दिखाई देता है। निर्धन होने के कारण उसके घर अतिथि नहीं आते तो उसे दुख होता है। वह विदूषक से मातृदेवियों को बलि अर्पण करने जाने के लिए कहता है। सभी का देवी देवताओं पर अटूट विश्वास था। वे व्रत उपवास और दान करते थे। चोर भी अपना कार्य आरंभ करने से पहले अपने पेशे के देवता का स्मरण करते थे। जैसे चोर कहता है जब चोरी करने चलता है, नमक कार्तिकेय आयम। चांडालों का भी देवताओं में विश्वास था। चारुदत्त को मारते समय हाथ से खड्ग छटक जाने पर चांडाल कहता है, भगवत सह्य वासिनी प्रसिद्ध प्रसिद्ध। देश में बौद्ध धर्म के अनुयायी कम थे। जो लोग सांसारिक जीवन से ऊब जाते वे बौद्ध सन्यासी हो जाते थे। इस नाटक में संवाहक जीवन में होने वाले दुखों और अपमानों से ऊब कर शाक्य श्रमण हो जाता है। बौद्ध सन्यासियों को शाक्य श्रमण परिव्राजक या भिक्षु कहते थे। काषाय वस्त्र, सादा भोजन, विहार, स्त्री भय, दंड कुंडिका भाजन की भी चर्चा बार बार मिलती है। प्रातः शाक्य श्रमण का दर्शन अपशकुन माना जाता था। अचानक भिक्षु के सामने आने पर चारुदत्त कह उठता है, कथम अभिमुखम अनाभ्युदयकम श्रमणक दर्शन। अरे सुबह सुबह इनके कहाँ दर्शन हो गए। कुछ भिक्षुओं का चारित्रिक पतन भी हो गया था। वे सिर मुड़ाकर दिखाने के लिए सन्यासी बने रहते पर सांसारिक वासनाओं से उनका मन मुक्त नहीं होता था। इसी से सन्यासियों को लक्ष्य करके भिक्षु कहता है, शिरो मुंडितम तुंडम मुंडितम चित्तम न मुंडितम किम मुंडितम। मैंने सिर मुड़ा लिया और मुंह मुड़ा लिया लेकिन चित्त नहीं मुड़ाया, तो क्या मुड़ाया। उस समय लोग बौद्ध भिक्षुओं को शंका भरी दृष्टि से भी देखते थे। इसलिए वसंत सेना को होश में लाकर अपने साथ ले जाते समय भिक्षु अपनी सफाई के लिए कहता है, अपसरत एषा स्त्री एषा भिक्षु इति शुद्धो मम एषा धर्म। उस समय बौद्धों के अनेक विहार हुआ करते थे, उनमें भिक्षुओं के अतिरिक्त भिक्षुणियां भी रहती थी। देश में धार्मिक विश्रृंखलन की अवस्था थी। धार्मिक अवस्था की तरह मृच्छकटिक काल में देश में राजनीतिक विश्रृंखलन भी था। उस समय देश में कोई सार्वभौम सम्राट नहीं था। देश बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। राजा शक्तिहीन थे, उनका शासन प्रबंध भी अच्छा नहीं था, पार्श्विक शक्ति का बोलबाला था। राजा के कर्मचारी थोड़ी सी बात पर ही आपस में लड़ जाते थे। शासन प्रबंध शिथिल होने के कारण षड्यंत्रकारियों को राजा द्रोह करने का अच्छा अवसर मिल जाता था। षड्यंत्र करके राज्य का उलटना सहज था। षड्यंत्रकारी आवारा लोगों को एकत्र कर उनकी सहायता से षड्यंत्र करते थे। राजद्रोह का संदेह होते ही किसी को भी पकड़कर अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। राजनीतिक कैदियों को बेड़ियां पहनाई जाती थीं। आज यक बेड़ियां पहने हुए ही हमारे सामने आता है। अपराधियों की पहरेदारी एवं तलाशी ली जाती थी। राज्य परिवर्तन होने पर कैदी छोड़ दिए जाते थे। बीच बीच में सिपाहियों की चौकियाँ होती थीं। कभी कभी राजपथ पर दूत कर और मद्यप आपस में लड़ बैठते थे। मृच्छकटिक में तत्कालीन समाज की न्याय व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। मुकदमों का निर्णय करने के लिए न्यायालय होते थे। न्यायाधीश राजा के द्वारा नियुक्त एक बुद्धिमान व्यक्ति होता था। उसकी सहायता के लिए एक श्रेष्ठी तथा एक कायस्थ होता था।
न्यायाधीश की जीविका राजा की स्वेच्छा पर निर्भर रहती थी। नवम अंक में शकार न्यायाधीश को धमकाता है कि यदि उसका मुकदमा न सुना गया तो राजा से कहकर उसे निकलवा देगा। सभ्य पुरुषों को न्यायालय में आसन दिया जाता था। मृच्छकटिक में चारदत्त को न्यायालय पहुंचने पर आसन दिया गया। कायस्थों को मृच्छकटिक में न्यायालय रूपी समुद्र के सर्प कहा गया है। न्यायालय में वादी और प्रतिवादी के बयान लिए जाते थे, गवाहों की गवाहियाँ की जाती थी, चाहे जिसे गवाही के लिए तुरंत बुला लिया जाता था। न्याय मनुस्मृति के अनुसार होता था। मुकदमा का निर्णय करने में भी बहुत समय नहीं लगता था। मृत्युदंड के मुकदमों में न्यायालय का निर्णय अंतिम स्वीकृति के लिए राजा के पास भेजा जाता था। राजा चाहे तो न्यायालयों के निर्णय को उलट सकता था। राजा का आदेश ही सर्वोपरि न्याय माना जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। यदि अपराधी अपराध स्वीकार नहीं करता तो उसे कूड़े लगाए जाते थे। नवम अंक में अधिकरणिक चारदत्त से कहता है, इदानीम सुकुमारेस्मिन निशंकम कर्कशा कशा, खून के अपराध के लिए खड्ग से गर्दन उड़ाने, शूली पर चढ़ाने, कुत्तों से नुचवाने और आरे से चरवाने की सजा दी जाती थी। प्राणदंड देने का काम चांडाल करते थे। प्राणदंड श्मशान पर दिया जाता था। चांडाल वद्य पट बजाते हुए उसे श्मशान ले जाते थे और मार्ग में अपराधी के परिचय सहित अपराध और दंड की घोषणा करते जाते थे। इस प्रकार मृच्छकटिक प्रकरण में वर्णित समाज सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से एक विश्रृंखलित समाज है, जिसमें समाज के निम्न वर्ग एवं मध्य वर्ग का सामान्य जन ही सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अतः मृच्छकटिक समाज के नग्न एवं यथार्थ रूप का प्रतिबिंबन करने वाला एक सामाजिक रूपक है। मुद्रा राक्षस एक सामान्य समीक्षा। महाकवि विशाखदत्त की अमर कृति मुद्रा राक्षस अपने ढंग का अकेला नाटक है। विशुद्ध कूटनीति से परिपूर्ण राजनीति को आधार बनाकर लिखा गया यह नाटक कदाचित संपूर्ण संस्कृत साहित्य के उपलब्ध नाटकों में अपने ढंग का एक निराला ही नाटक है। इतिहास एवं राजनीति का सुंदर समन्वय इसकी मौलिक विशेषता है। इसमें एक ओर नंद वंश के विनाश की काली छाया है तो दूसरी ओर चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की चांदनी। कहीं राक्षस के विरोध के बादल हैं तो कहीं कौटिल्य की कूटनीति की सजगता देखने लायक है। साहित्य और राजनीति के विविध तत्वों के मणिकांचन योग से ही प्रेरित होकर भारतेंदु बाबू ने इसका हिंदी रूपांतर 1935 विक्रमी में किया था, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इस नाटक की प्रमुख विशेषताएं हैं, नंबर 1, मुद्रा राक्षस नाटक रस प्रधान न होकर घटना प्रधान है। यहाँ तक कि इसका नामकरण भी एक घटना के आधार पर ही किया गया है। यह घटना हार की संभावना को जीत में तथा जीत की संभावना को हार में परिणत कर देती है। घटना एक अंगूठी अर्थात मुद्रा पर आधारित है। जो चाणक्य के हाथ न लगी होती तो परिणाम कुछ और ही सामने आता। इस प्रकार समग्र ग्रंथ में नाम की अन्वर्थक क्षमता व्याप्त है। यह शब्द मूल पुस्तक की आत्मा की संभावनाओं को व्यक्त करता है। साहित्यिक दृष्टि से यह माना जाता है के अर्थ के अनुकूल नाम होने से सहृदयों के हृदय विकसित हो जाते हैं। नाटक का नाम इस कसौटी पर पूरा खरा उतरता है। मुद्रा राक्षस की दूसरी प्रमुख विशेषता है संस्कृत की सामान्य नाट्य धारा के प्रतिकूल इसमें प्रेम कथा का नितांत अभाव है। अतः इसमें नायिका है ही नहीं। यह कारण है कि नायिका के अभाव में उसे आधार बनाकर उद्दीप्त होने वाले प्रणय के विषय का भी सर्वथा अभाव है। नायिका के अतिरिक्त सामान्य स्त्री पात्रों का भी पूरे नाटक में अभाव सा ही दिखता है। चंद्रगुप्त और मलयकेतु की प्रतिहारी
शुणोत्तरा और विजया को छोड़कर संपूर्ण नाटक में प्रेम और कर्तव्य की पृष्ठभूमि में कठोर कर्तव्य और आत्मत्याग की भावना से अनुप्रेरित सेठ चंदनदास की पत्नी रंगमंच पर क्षणभर के लिए उपस्थित होती है, वह भी सातवें अंक में। उसमें राजमहल के भीतर अथवा उद्यान के निकुंजों में चरितार्थ होने वाली कोमल प्रणय भावना का सरस प्रवाह नहीं, अपितु कर्तव्य की बलिवेदी पर निछावर हो जाने वाली भारतीय ललना का दिव्य आदर्श है। मृत्यु का आलिंगन करने वाली घड़ियों में प्रेम कर्तव्य की वेदी पर निछावर है। भर्तुष चरणौ अनुगच्छन्त्या आत्मानुग्रहो भवतु इति सप्तमंक। मुद्रा राक्षस में केवल यही नहीं कि उसमें सर्वदा श्रृंगारिक भावनाओं का अभाव है, अपितु उसमें किसी प्रकार की कोमल और श्रृंगारिक भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए किसी प्रकार का वातावरण, किसी प्रकार की पृष्ठभूमि भी नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में न प्रेम की मधुरिमा है और न ही प्रेम की मधुरिमा को मूर्त रूप देने वाली संगीत की तान ही है। इस प्रकार इसमें न नृत्य का आयोजन है और न ही प्रेम के आलम्बन या उद्दीपन रूप में चित्रित प्रकृति। संगीत की मधुर राग रागिणी प्रकृति का लुभावना सलोना रूप मदिरा की मादक धारा जुए में जीत हार का दांव पेच ये सब इस नाटक में स्थान प्राप्त नहीं कर सके। यहाँ तो कठोर कर्तव्य की अदम्य भावना का साम्राज्य है जिसके समक्ष नग्न विलासिता के लिए कोई स्थान नहीं है। तीन, नायिका के समान ही नाटक के वातावरण को हास्य के छींटों से स्निग्ध तथा ललित बनाने वाले संस्कृत नाटक के प्राचीन पात्र विदूषक का भी इसमें दर्शन नहीं होता, परंतु नायिका के भाव में विदूषक का अपना महत्व भी शून्य ही है, अतः इसके अभाव की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। वैसे भी नाटक में राजनीति के कठोर दांव पेच के मध्य विदूषक की चंचलता के लिए भला जगह ही कैसे मिल सकती है। नंबर चार, यद्यपि यह नाटक घटना प्रधान है तथापि रस की दृष्टि से इसमें वीर रस का उद्भेद हुआ है। यहाँ सबसे विचित्र बात तो यह है कि इस नाटक में वीर रस को उद्दीप्त करने के लिए न तो दुंदुवे का गर्जन है, न तो युद्ध में चल रहे तीरों खंजरों एवं गदाओं की झंझनाहटें तथा गड़गड़ाहट ही। आश्चर्य तो यह कि न अस्त्र शस्त्र चले, न युद्ध में एक भी सैनिक धराशायी हुआ, परंतु फिर भी विजय और पराजय का परिणाम सबके सम्मुख उपस्थित होता है। कहा गया है, विनयव युद्धाधारेण जितम दुर्जयम परबलम, ऐसा मृच्छकटिक में। इन्हीं कुछ कारणों से मुद्रा राक्षस वीर रसाशयी नाटकों में अपना एक पृथक अस्तित्व रखता है। हमको संपूर्ण नाटक में द्वंद्व दिखाई देता है, दो विरोधी शत्रु सेनाओं में नहीं अपितु दो राजनीतिज्ञों की कूटनीतिक योजनाओं में। पदात सेनाओं के रण क्षेत्र में कूद पड़ने की गतिविधियों में नहीं अपितु गुप्तचरों की गतिविधियों में। रुधिर की सरिता प्रवाहित करने में और शस्त्रों की झंकार में नहीं अपितु वाणी की गर्जनाओं में। मुद्रा राक्षस की वास्तविक लड़ाई चाणक्य और राक्षस की लड़ाई नहीं अपितु उनकी मंत्र शक्तियों की लड़ाई है। इस नाटक का वीर रस संग्राम की रणस्थली में नहीं अपितु बड़े बड़े संग्रामों को जन्म देने वाली राजनीतिज्ञों की राजनीतिक प्रतिभा में जन्म लेता है। लड़ाई के पात्र लड़ाई में आनंद का अनुभव करते हैं और भाग्य की कठोरताओं से आकृष्ट होते हैं।
परंतु पुनः नाटक के अंदर चाणक्य की राजनीति की यह विशेषता रही है कि किसी प्रकार का रक्तपात न करना पड़े। इसमें वह सफल भी हुआ है, क्योंकि सप्तम अंक की समाप्ति पर चंद्रगुप्त बड़े दुख के साथ कहता है, फलयोगम अवाप्य सायकानाम विधियोगेन विवशताम गतानाम न शुचेव भवत्यधो मुखानाम निज तूणी शयनव्रतम प्रतुष्ठ्य। विशाखदत्त नाट्य शास्त्र के सुयोग्य ज्ञाता थे, वे उसके नियमों से पूर्ण परिचित थे, परंतु मुद्र राक्षस में उन्होंने नाट्य नियमों के फौलादि पंजों से मुद्र राक्षस की कविता सुंदरी को बचाने का सफल प्रयास किया है। प्राचीन रूढ़ के अनुसार इस नाटक का नायक प्रख्यात वंश का कोई राजा न होकर एक साधारण सा ब्राह्मण है, जिसकी असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा आज भी सर्वत्र होती है, जिसका मौर्य साम्राज्य की स्थापना और प्रतिष्ठा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब यह कि नाटक के इतिवृत्त का चुनाव भी स्वतंत्र रूप से किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा राक्षस की कथावस्तु नाट्य शास्त्रानुसार होते हुए भी संधि संध्यंगों की योजना घटना के कौतुक की शांति के लिए नहीं अपितु नाटक के लिए हुई है। अगला, प्रस्तुत नाटक में कथा वस्तु को शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार प्रस्तुत किया गया और कथानक में हर दृष्टि से रोचकता का निर्वाह किया गया है। कथा का आस्वाद कुतूहल पर आश्रित रहता है और कुतूहल का आधार है आकस्मिकता। मुद्रा राक्षस की प्रत्येक घटना की आकस्मिकता के पीछे प्रच्छन्न रूप से कार्य कारण की पूर्वापरता है। इसकी हर अप्रत्याशित घटना, राजनीतिक घटना की अचानक उपस्थिति पर हम उसकी प्रतीयमान संभावित अकारणता से विस्मय का अनुभव करते हैं, किंतु शीघ्र ही हमको यह प्रतीत हो जाता है कि इस आकस्मिकता के पीछे भी कौटिल्य की नीति श्रृंखला का आधार वर्तमान है। इसके संयोग में भी प्रयोजन विद्यमान है। इस प्रकार एक ओर तो हमारा विस्मय भाव द्विगुणित हो जाता है और दूसरी ओर औचित्य की भावना भी परितुष्ट हो जाती है। राजनीतिक धरातल पर औचित्य भावना का सविस्मय परितोष ही वास्तव में मुद्रा राक्षस का सौंदर्य है, जिसका विशाखदत्त ने अपनी अंतर्दर्शी प्रतिभा के द्वारा अत्यंत निर्भ्रांत रूप से उद्घाटन किया है। अगला बिंदु, उपर्युक्त विशेषता को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक में कार्यान्विति मीन्स यूनिटी ऑफ एक्शन, जो कि एक नाटकीय गुण विशेष है, का सुंदर निर्वाह हुआ है और यह निर्वाह जैसा इस नाटक में हुआ है अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। आदि से अंत तक समूचा नाटक एक गति और लक्ष्य की ओर अनवरत अग्रसर है। यह लक्ष्य है नंद वंश के विश्वास पात्र अमात्य राक्षस का विरोध शांत करके उसे चंद्रगुप्त का मंत्री बना देना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सत्य और मिथ्या, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म का कोई विचार, कोई परिभाषा उसके सम्मुख नहीं है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मित्रता की जाती है और तोड़ दी जाती है। नाटक में छोटे से छोटे पात्र से लेकर बड़े से बड़े पात्र की गतिविधि का लक्ष्य और आज से अंत तक घटित होने वाली समस्त घटनाओं का उद्देश्य केवल एक है, वह है राक्षस को वश में करना।
मुद्रा राक्षस का एक अति स्वल्प भी एक ऐसा कार्य या पात्र नहीं मिलेगा जो कथा को अग्रसर करने में अमूल्य योगदान न करता हो, अथवा जिसके अभाव में नाटक का कथानक अपूर्ण न रह जाता हो। इस नाटक में किसी भी कार्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सारे के सारे कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। इतिवृत्त की सकल एवं चातुर्यपूर्ण योजना ऐसी है जैसे एक मांझी अपने सहस्र तंतुओं से निर्मित विशाल जाल को अथाह जाल में फेंकता है, अथाह जल में फेंक देता है। जल के भीतर प्रविष्ट होने वाले जाल के सभी तंतु बिखरते हुए से दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु ठीक समय पर जब वह मांझी उस जाल को खींचता है तब सभी तंतु एक ओर ही बढ़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं और अंत में सभी मिलकर मांझी के लिए सुंदर परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इस कार्य में छोटे से छोटे तंतु का भी अपने कार्य के लिए विशेष महत्व है। ठीक ऐसे ही बात मुद्रा राक्षस के साथ है। प्रथम दृष्टया इसे पढ़ने पर षष्ठ अंग तक विभिन्न क्रियाकलापों का, कार्यों के घात प्रतिघातों का, राजनीतिक दाव पेचों के गदा युद्धों का, विश्रृंखलित सा प्रतीत होने वाला जाल फैला दिखाई पड़ता है। प्रारंभिक कार्यों का परस्पर संबंध बैठाना भी कठिन सा प्रतीत होता है, किंतु जैसे जैसे कथा चक्र आगे की ओर बढ़ता जाता है सारे विश्रृंखलित कार्यकलाप एक दिशा की ओर बढ़ते तथा अंत में सातवें अंक में एकत्रित होकर प्रयोक्ता को अभीष्ट फल देते हुए देखे जाते हैं। वास्तव में नाटक की विस्तृत कथा वस्तु अपने आप में बड़ी संश्लिष्ट है और कथा वस्तु की भांति चाणक्य की कूटनीति भी बड़ी संश्लिष्ट है। तभी तो राक्षस ने पंचम अंक में खिन्न होकर कहा है, अहो सुश्लिष्टो भूत छत्रु प्रयोगः। इन सब के बावजूद संपूर्ण नाटक में जीवन है, क्रियाशीलता है और निरंतरता बनी रहने वाली रुचि है। नाटक की योजना कुछ इस तरह से हुई है कि व्यापार की गत्यात्मकता कहीं क्षुण्ण नहीं होती, घटनाओं की एकता का प्रदर्शन सुंदर और व्यवस्थित ढंग से हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में क्रिया से रोचकता निरंतर बनी रहती है, उसमें प्रवाह अकुंठित है, घटनाओं के निर्वाह में कहीं भी शिथिलता नहीं है, प्रत्येक घटना सार्थक है और उसका अंतिम परिणाम के लक्ष्य में योग है। सभी क्रियाएं और सभी गतिविधियां राजनीतिक उद्देश्य का एक अंग है। इस प्रकार यह नाटक घटना सामंजस्य के लिए ध्यान देने योग्य है। प्रोफेसर वेबर, जर्मन विद्वान प्रोफेसर वेबर के अनुसार संपूर्ण नाटक साहित्य में घटना सामंजस्य के नियम का इससे अच्छा उदाहरण नहीं है। सब कार्य विधान एक केंद्र अर्थात राक्षस की मैत्री भाव की ओर प्रवृत्त है। अगला बिंदु, चरित्रचित्रण की दृष्टि से मुद्रा राक्षस एक अपूर्व नाटक है। यदि पात्रों के चरित्रचित्रण में कभी इतना सफल है कि यदि इस नाटक के अंदर कोई और विशेषता न होती, केवल चरित्रचित्रण ही होता, तब भी यह नाटक ग्राह्य और उपादेय होता। इसके पात्रों को हम युगल रूप में पाते हैं, द्वंद्व रूप में चित्रित पात्रों के चरित्र का विकास प्रतिद्वंदी के विरोध और संघर्ष में हुआ है। नंबर एक, कूटनीति में निपुण चाणक्य और राक्षस। नंबर दो, एक दूसरे के विरोधी गुणों वाले एक दूसरे के शत्रु राजा चंद्रगुप्त और मलयकेतु। तीन, भागुरायण और सिद्धार्थक एक दूसरे के द्वंद्व के रूप में चित्रित हैं। इनका चारित्रिक विकास परस्पर के संघर्ष पर ही आश्रित है। यदि चाणक्य नंद वंश का महान शत्रु है तो राक्षस इस कुल का अप्रतिम भक्त है। यदि चंद्रगुप्त चाणक्य का अंधविश्वासी राजा है तो मलयकेतु राक्षस पर संशय करने वाला है।
यहाँ पारस्परिक कलह कामिनी और कांचन जैसे तुच्छ भौतिक पदार्थों के लिए नहीं होता, यहाँ पारस्परिक अपितु दोनों ही निस्वार्थ रूप से महान आदर्शों के लिए संघर्षरत हैं। चाणक्य का आदर्श है बुद्ध्या निग्रह्य वृषलस्य कृते क्रियायाम आरण्यकम गजमेव प्रगुणी करोमि, अर्थात मैं अपने अधीन जो राजा है चंद्रगुप्त, उस चंद्रगुप्त के लिए इस राक्षस को अपनी बुद्धि से पकड़ लूँगा और पकड़ करके इसके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। ये ठीक इसी प्रकार राक्षस का भी अनुकरणीय आदर्श है, देव स्वर्ग गतोपि शात्रव वधे नाराधितस्यादिति, राक्षस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देव हमारे स्वामी जो नंद हैं भले ही स्वर्ग चले गए हैं लेकिन उनके शत्रुओं को मैं आज भी मार डालूंगा परास्त कर दूंगा तो वो स्वर्ग में प्रसन्न होंगे आराधित होंगे। इससे अच्छा निष्काम कर्मयोग का क्या उदाहरण हो सकता है, दोनों ही निष्काम और निरीह, दोनों के लिए राजनीति का प्रयोग अपने लिए न होकर किसी दूसरे के लिए है, दोनों के लिए जय पराजय का महत्व उतना नहीं जितना कर्तव्य निर्वाह का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटककार ने ऐसे चरित्रों की उद्भावना की है जो साधारण होते हुए भी असाधारण है, देशकाल से परिच्छिन्न होते हुए भी अपरिच्छिन्न है, नाटकीय होते हुए भी वास्तविक हैं और यथार्थ होते हुए भी आदर्श हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नाटक के चित्रकारी की तुलिका ने इन सबों में भी समान रूप से जीवन रस भरा है, सभी अपने आप में यथार्थ हैं। इन पात्रों के चित्रण में विशाख दत्त की अपनी शैली है जिसकी किसी और नाटककार से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार से मुद्रा राक्षस के पात्रों के व्यक्तित्व स्वतंत्र हैं, उद्देश्य से प्रेरित हैं, कल्पित होकर भी कृत्रिम प्रतीत नहीं होते, ऐसे उदाहरण अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ हैं। अगला बिंदु, विशाख दत्त ने अंकों का दृश्यों में विभाजन कर एक नवीन मौलिकता का श्री गणेश किया है, अन्य नाटकों में इस प्रक्रिया का अभाव है। भास कालिदास आदि के नाटकों में तो अंकों का विभाजन दृश्यों के आधार पर न किया जाकर पात्रों को लक्ष्य करके किया जाता है, प्रमुख पात्र प्रारंभ से लेकर नाटक की परिसमाप्ति तक रंगमंच पर ही दिखाई पड़ते हैं। मुद्रा राक्षस में ऐसा नहीं है, इसमें अंकों का विभाजन दृश्यों को आधार मानकर किया गया है। इस प्रकार कथा वस्तु की योजना एवं दृश्य विधान दोनों ही विलक्षण एवं सुव्यवस्थित हैं तथा वे अपना एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। अगला बिंदु, राजनीति मनुष्यों के लिए कठिन खेल के रूप में चित्रित की गई है, इसकी तुलना सर्प के साथ की गई है। ननु खेलत्येव आर्यो अहिना, द्वितीय अंक में कहता है कि अरे आर्य आप राजनीति क्या कर रहे हैं, आप तो सदा सर्प से खेल रहे हैं। इसमें सर्पों के खेल का दिखाने वाला सपेरा सन्यासी ज्योतिषी वैतालिक आदि सभी प्रकार के व्यक्ति गुप्तचर के कार्य में संलग्न हैं। इसमें मिथ्या कलह भी होती है और खुलकर एक दूसरे को धोखा भी दिया जाता है। पाश्चात्य समालोचकों के निर्धारित मापदंड पर केवल एकमात्र यही ऐसा नाटक है जो पूर्ण रूप से खरा उतरता है। और एक बात गौर करने की है कि राजनीतिक षड्यंत्रों का भी इस नाटक में विशाख दत्त ने उसी प्रकार परिशमन किया है जिस प्रकार उच्च नैतिक विचारों का सन्निवेश किया है। विशाख दत्त नैतिकता एवं सदाचार के आदर्श से पूर्ण परिचित थे, उनके हर पात्र के व्यक्तित्व में इन गुणों का सन्निवेश है। इनके छोटे छोटे पात्र भी जहाँ कूटनीतिक पृष्ठाधार पर विश्वासघात रूप अनैतिक आचरण करते हैं वहाँ इसके लिए भी उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। मनस्थिति की पवित्रता में निष्काम कर्मयोग की प्रधानता के आधार पर प्रतिष्ठित आध्यात्मिक अर्थवत्ता से अनुरंजित जिस उदात्त एवं कठोर आदर्श की स्थापना कालिदास या वाल्मीकि ने की है, प्राय विशाख दत्त इस भावभूमि से अवश्य ही अपरिचित थे अथवा उनकी प्रकृति में सन्निहित राजनीतिक शुष्कता ने इसे अस्वीकृत कर दिया। विशाख दत्त के पात्र भावात्मक अथवा कल्पनात्मक उत्साह से प्रेरित होकर नहीं प्रत्युत बौद्धिक विश्वास से प्रेरित होकर क्रियाशील हुए। अगला बिंदु, वीरता और राजनीति के गंभीर वातावरण में प्रणय की कोमलता रोमानी तस्वीरों का हल्का फुल्कापन मिलना कठिन है।
जो कि आम संस्कृत नाटकों की प्रमुख विशेषता रही है। यह बात निश्चित है कि चाणक्य की नीति की तरह विशाखदत्त की कला भी श्रृंगार के कौमुदी महोत्सव को निषिद्ध कर देती है, परंतु इस तथ्य के बावजूद विशाखदत्त का गंभीर कवि श्रृंगारी चित्रों असफल नहीं कहा जा सकता है। इस कथन के साक्ष्य में मुद्राक्षर में वर्णित दो श्रृंगारी चित्रों को उदाहरण दिया जा सकता है। एक में श्रृंगारी चित्र अप्रस्तुत के रूप में उपस्थित हुआ है, दूसरे में निषेध पद्धति का आश्रय लेकर अप्रस्तुत विधान श्रृंगार का उदाहरण द्वितीय अंक का वामाम बाहुलताम आदि पद्य है। श्रृंगार का दूसरा चित्र तृतीय अंक में चंद्रगुप्त को इस बात का खेद है कि कौमुदी महोत्सव होते हुए भी पुष्पपुर निवासी उत्सव नहीं मना रहे हैं। धूर्तई रणवीयमाना स्फुट चतुर कथा कोविदैर वेश आर्य नालंग कुर्वन्ति रत्या पृथ्वीगण भरा क्रांत मंद प्रयातई अन्योन्यम स्पर्धमाना नच ग्रह वै स्वामिनो मुक्त शंका साकम स्त्रीभिर भजन्ते विधिमभिलषितम पार्वणम पौर मुख्या। चतुर कथाओं में निपुण विटों के द्वारा वार नारियां आज अपने पुष्ट जगनवार से दबी हुई मंथर गज से पाटलपुत्र की गलियों को सुशोभित नहीं कर रही हैं, निषेधात्मक। साथ ही समृद्ध में एक दूसरे की स्पर्धा करने वाले श्रेष्ठ नागरिक भी निशंक होकर अपनी स्त्रियों के साथ कौमुदी महोत्सव के अभिलक्षित उत्सव को नहीं मना रहे हैं। इसी प्रकार प्रकृति वर्णन के अलंकृत चित्र का एक सुंदर उदाहरण है, आकाशम काश पुष्पत छवि मवि भवता भस्मना शुक्लयंती शीतांशो रंशुजालैर जलधर मलिनाम क्लिंदती कृत्य मई भीम कापाली मुद्वहंती सृजमेव धवलाम कौमुदी मित्यपूर्वाम हासश्री राजहंसा हरत तनुरिव क्लेशमयीषीं शरद्वः। महादेव की मूर्ति के समान रूप वाली अपूर्व शरद ऋतु आप लोगों के कष्टों का निवारण करें। महादेव काश पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली भस्म से आकाश को धवल बनाते हैं, शरद भस्म के समान सफेद काश पुष्पों की कांत से आकाश को धवल बनाती है। महादेव मस्तक पर धारण किए हुए चंद्रमा की किरणों से मेघ के समान काले गज चर्म को गीला बनाते हैं, तो शरद चंद्रमा की किरणें गज चर्म के समान मेघों को निर्मल बनाती है। महादेव चंद्रमा के समान धवल कपाल माला को धारण करते हैं तथा राजहंस के समान धवल अट्टहास से सुशोभित हैं, तो शरद कपाल माला के समान श्वेत चंद्र का धारण करती है और राजहंसों की हास्यश्री से संपन्न है। इसी प्रकार विशाखदत्त के पात्रों की राजनीति न्यायशास्त्र आदि का प्रगाढ़ पांडित्य भी प्रकट होता है। मुद्राक्षस में शौरसेनी महाराष्ट्री मागधी तीन प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। शपणक सिद्धार्थक चांडाल आदि पात्र मागधी का प्रयोग करते हैं। अन्य पात्रों की भाषा शौरसेनी है। पद्य में महाराष्ट्री का प्रयोग हुआ है। विशाखदत्त की प्राकृत व्याकरण के नियमों को दृष्टि में रखकर लिखी गई प्रतीत होती है। विशाखदत्त ने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, पर उनका सबसे अधिक मोह शार्दूल विक्रीड़ी तथा श्रगधरा के प्रति है, जो क्रमशः 39 तथा 24 बार प्रयुक्त हुए हैं। विशाखदत्त के गंभीर विषय के उपयुक्त वातावरण के सृष्टि करने में ये दोनों छंद हाथ बटाते हैं। नाटक में एक बार सुवदना छंद का भी प्रयोग हुआ है। अंत में हम कह सकते हैं कि मुद्रा राक्षस का विश्लेषण चाहे हम कथा वस्तु की योजना एवं दृश्य विधान की दृष्टि से करें या चरित्र चित्रण की दृष्टि से या फिर काव्य कौशल राजनीति और नाट्यकला की मर्मस्पृक सूक्ष्मता को देखें, विशाखदत्त से कुछ भी छूटने नहीं पाया। अंतर्द्वंद्वों का भी यथास्थान अद्भुत चित्रण मिलता है। नाटकीय विशेषताओं का संगठन और विवेचन अंतर्दर्शन उत्कृष्ट ही है। इस नाटक का वृत्त ख्यात है और पात्रों की चारित्रिक प्रवृत्तियों तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सफलता असफलता भी इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं हैं। एक वाक्य में विशाखदत्त ने इस कार्य की एकता का निर्वाह करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। ऐतिहासिक घटना को अपनी प्रतिभा के संस्पर्श से चरम उत्कर्ष प्रदान किया है। भाव और शिल्प की दृष्टि से पंक्त पंक्त में नाटककार की परिष्कृत अभिरुचि और विशेषता के दर्शन होते हैं। युगीन समस्याओं की पृष्ठभूमि में कूटनीति राजनीति के प्रतिपादन के कारण इस नाटक का स्थायी महत्व है।